हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो आज हम जा रहे हैं, सेलेरियो, न्यू सेलेरियो गाड़ी है और इसमें एक फ़ीचर है, डोर ऑटोमेटिक अनलॉक का फ़ीचर होता है, वो हम चेक करेंगे। तो बेसिकली इसमें तो वर्क कर नहीं रहा है, जैसे कि इस फीचर में होता क्या है कि अगर हम इग्निशन ऑफ करते हैं तो हमारे डोर ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाना चाहिए। तो ये देख सकते हैं, अभी ये डोर लॉक है और आपको आवाज़ भी आ जाएगी। ये मैं इग्निशन ऑफ कर रहा हूँ तो अनलॉक ऑफ़ कर दिया है, तो देख सकते हैं डोर अभी अनलॉक नहीं हुआ है। तो इसे हम सेटिंग देखेंगे, सिर्फ सिंगल इसी सेटिंग को देखेंगे। तो इस सेटिंग में ओपन, इस मेन्यू में अंदर जाने के लिए क्या करना रहता है, आपको पहले ये ओडोमीटर वाले में रहना चाहिए, ये आपका ओडोमीटर में होना चाहिए। उसके बाद इसे आपको लॉन्ग प्रेस करके इस नोब को रखना है, इसे हम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। ये टाइम का आ गया, टाइम सेट करने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। और डोर की सेटिंग हम देख रहे हैं, तो डोर पर आके इसी को नोब को प्रेस करके रखना है लॉन्ग प्रेस। तो यहाँ पे D1 सेटिंग है, D2 सेटिंग है, D3 सेटिंग है। तो बेसिकली आपको इसके लिए D3 सेटिंग में आना है। यहाँ पे SL1 सेलेक्ट है, SL1 में आपका जो ये डोर है, हम इग्निशन ऑफ करेंगे तो अनलॉक नहीं होगा। और जब हम इसको D3 SL2 में सेट करेंगे तो ये, जैसे ये सक्सेसफुल हो गया, लॉन्ग प्रेस करके रखना है इसे। फिर अब बैक करेंगे हम, ये बैक हो गया हमारा, लॉन्ग प्रेस करके रखना है। फिर इसे हम एंड करेंगे, एंड करके रख दिया लॉन्ग प्रेस, ये हमारा मेन्यू में आ गया है। अब हम इग्निशन ऑफ करेंगे तो आप देख सकते हैं ये डोर अनलॉक हो गया है, देख सकते हैं ये डोर अनलॉक हो गया है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।